राजधानी के सचिवालय में नवनिर्वाचित उत्तराखंड सचिवालय संघ के निर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में वह मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी समस्या है उसको वह दूर करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सचिवालय से ही राज्य के निर्माण की दिशा और दशा तय होती है। वहीं सचिवालय संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मनोयोग के साथ अपने कार्य का निर्वहन करेंगे और राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे। हमारा एक ऐसा संस्थान है जहाँ से पूरे राज्य को संचालित करने का काम होता है। हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण उस काम को लगते हैं और सचिवालय संघ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य को हर दिशा में श्रेष्ठ राज्य बनाना है, हर क्षेत्र में हमको विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना है, तो उसके लिए हमारे अधिकारियों का कर्मचारियों का निश्चित रूप में उसमें पूरी तरह से सम्मिलन, पूरी तरह से सहयोग, पूरी तरह से उत्तरदायित्व, एक कार्य व्यवहार होना चाहिए और हमारे सचिवालय संघ के लोगों ने आज निश्चित रूप में उस दिशा में एक अच्छी पहल की है। अपने मनोयोग से वो सब लोग राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं। एक्चुअली उत्तराखंड सचिवालय से ही पूरे प्रदेश की जो है दिशा निर्देश जारी होते हैं, नीतिगत फैसले यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ पे सचिवालय कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसके लिए हमने एक संकल्प लिया है। कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं पहले से कि हम बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग करेंगे और जितना हो सकेगा उसके लिए हम पूरी तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार ही हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।